हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो डायोड के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो फोटो डायोड है इसे हम पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डायोड का मतलब समझ लेते हैं। डायोड यानी क्या, हमें पता है कि अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उससे जो डिवाइस बन के आती है वो डिवाइस को हम बोल देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो ये डायोड का मतलब तो क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये भी पता है हमें कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से हम बनाते थे, इसमें यहां पे पी और यहां पे एन लिखते थे, ठीक। दूसरी एक और बात हमें पता है कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसकी दो तरीके की बायसिंग होती थी, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। तो डायोड की चीज तो हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फोटो यानी क्या। तो फोटो यानी यहां पे मैं लिख लेता हूं लाइट। हमने 12 साइंस फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हमने ये देखा था कि लाइट के पास दो तरीके के नेचर होते हैं। लाइट तो एक वेव नेचर है उसके पास, और दूसरा उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता था। इसका मतलब क्या, जैसे कि ये लाइट ऐसे करके आ रही है, ठीक है, इसके पास वेव नेचर है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, यानी कि जब ये लाइट आ रही है तो उसके साथ ऐसे कुछ पार्टिकल भी आएंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है इसे हम फोटॉन्स बोलते हैं। फोटॉन्स बोल लो या फोटो बोल दो, यानी कि फोटो यानी क्या, लाइट के पार्टिकल, या फिर बोल लो लाइट, लाइट में से जो पार्टिकल आ रहे हैं उसे हम फोटो बोल देंगे, ठीक है। तो ये फोटो यानी लाइट, डायोड यानी ऐसा कुछ पीएन जंक्शन डायोड जिसका सिंबल ये कुछ है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों में ये यूज होता है। अब हम समझेंगे कि ये फोटो डायोड कंबाइनली मींस व्हाट, दोनों को अगर कनेक्ट करते हैं, फोटो डायोड दोनों वर्ड को कनेक्ट करते हैं तब उसका मतलब क्या होता है। तो फोटो डायोड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट एनर्जी बोल लो या लाइट बोल लो या बोल लो फोटोन बोल लो या फोटो बोल दो, इसे ये जो फोटो डायोड है वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल लो या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो। तो सिंपल मीनिंग फोटो डायोड का क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है या फिर बोल लो ऐसा डायोड है जो लाइट एनर्जी को या फोटो को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बोलो करंट में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके ऊपर लाइट एनर्जी देते हैं या फिर फोटो देते हैं तो ये पीएन जंक्शन डायोड में से करंट बनना शुरू हो जाएगा। यहां पे पीएन जंक्शन डायोड पे हमने फोटो दिए, लाइट एनर्जी दी, तो ये पीएन जंक्शन डायोड में से क्या बनना शुरू हो जाएगा, करंट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी ये फोटो डायोड फोटोन को या फिर फोटो को या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे कन्वर्ट करता है वो समझने के लिए हम इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ लेंगे, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन में हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हम ऐसे करके कुछ ऐसे पीएन जंक्शन डायोड बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कौन से ज्यादा होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होल्स ज्यादा है सारी जगह पे। एन टाइप में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कौन से ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा, बाद में हमें यह भी पता है कि ये जो पीएन जंक्शन है वहां पे क्या होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के ये पी टाइप के होल के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एक लेयर बनेगी, ऐसी कुछ लेयर बनेगी। ये लेयर को हम क्या बोलते थे, ये लेयर को हम बोलते थे डिप्लेशन लेयर, ठीक है। ये डिप्लेशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, कैसे बनती थी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते थे, क्यों, क्योंकि एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन चला गया यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, पी टाइप में क्या हो गया, होल चला गया, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ बनती थी, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल बैरियर भी होता था।
ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मोमेंटरी मोशन कर रहा है, क्योंकि डिफ्यूज हो रहा है होल के साथ, तो मोमेंटरी मोशन के कारण क्या होगा, एक निग्लिजिबल करंट बनेगा जिसे हम डिफ्यूजन करंट बोल देंगे, ठीक है। अब दूसरी एक बात, इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो फोटोडायोड है इसे ही फोटोडायोड बोलते हैं। ये फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस पे वर्क करता है। रिवर्स बायस यानी क्या, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अपना पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हम कनेक्ट करेंगे, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हम कनेक्ट करेंगे, इसे हम बोल देंगे रिवर्स बायस। अब क्यों रिवर्स बायस पे ये फोटोडायोड ऑपरेट होता है वो वीडियो के अंत में समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब इसका हम रिवर्स बायस करेंगे, तब हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी डायोड की, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, ये था हमारा रिवर्स करंट और ये था हमारा रिवर्स पोटेंशियल, ठीक है। और हमने ग्राफ कुछ ऐसे करके ऐसे बनाया था, याद हो तो रिवर्स करंट बहुत ही निग्लिजिबल बनता था, कितना था, सपोज करते हैं 50 माइक्रो एम्पियर, 10^-6 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो होता था यहां तक, ये था हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसपे करंट फ्लो होना शुरू होता था, ठीक है। तो ये जो हमारा करंट है, ये वाला पोर्शन का जो करंट है जिसमें बहुत ही कम 50 माइक्रो एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट को हम क्या बोलते थे, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते थे। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत ही निग्लिजिबल था, बहुत ही कम था, इसलिए ये रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम बोलते थे डार्क करंट, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक की कहानी तो हमें पता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़े, रिवर्स बायस कर दिया, अभी रिवर्स करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलूंगा अभी ये डायोड में से रिवर्स करंट सपोज करते हैं 50 माइक्रो एम्पियर जितना फ्लो हो रहा है। ये 50 माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए यहां पे मैंने एक मिली एमीटर लगा दिया है, मिली एमीटर माइक्रॉन्स में मेजर करेगा, या माइक्रो एमीटर लगा दिया है, ठीक है। तो यहां पे अभी कितना रीडिंग है, 50 माइक्रो एम्पियर, ये कौन सा करंट है, ये हमारा डार्क करंट है, रिवर्स करंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा डिप्लेशन लेयर है इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर है, यानी चार्ज कैरियर है नहीं तो क्या है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होके बैठे हैं, न्यूट्रल होके बैठे हैं, यानी कि ये होल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके बैठा है होल के अंदर, इलेक्ट्रॉन होल के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है, ऐसे करके कुछ न्यूट्रल चार्ज है, शॉर्टेज ऑफ चार्ज है। अच्छा, अब ये जो डिप्लेशन लेयर है जिसके अंदर न्यूट्रल चार्ज है, या बोल लो होल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो डिप्लेशन लेयर पे अब हम क्या करने देने वाले हैं, वो डिप्लेशन लेयर पे अब हम लाइट एनर्जी देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, लाइट एनर्जी, या बोल लो फोटो देने वाले हैं, लाइट एनर्जी देंगे, ठीक है। अच्छा, अब लाइट एनर्जी देने पर क्या होगा, पहले लाइट एनर्जी नहीं दी थी तब कितना करंट फ्लो होता था, रिवर्स या डार्क करंट 50 माइक्रो एम्पियर। अब जब हम फोटोन देंगे, लाइट एनर्जी देंगे, तब क्या होगा, तो ये जो लाइट है उसमें से क्या आते हैं, मैंने बताया था पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल डिप्लेशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोलाइड होंगे, जिससे करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे कि समझ लो ये फ्लोर है, फ्लोर पे बहुत सारे मार्बल रखे गए हैं, ठीक है, जो बचपन में हम खेलते थे, फ्लोर पे बहुत सारे मार्बल है, और आपके हाथ में एक दूसरा मार्बल है, आपके हाथ में फोटो है, आप क्या करोगे, वो मार्बल को ऐसे करके फेंकोगे जिससे करके फ्लोर पे पड़ा मार्बल क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, यानी होल में से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो अब कहानी कैसी होगी, जब हम लाइट डालेंगे, फोटो डालेंगे, तब कहानी ऐसी हो जाएगी, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, होल और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, फ्री हो गए, ठीक है। यानी कि डिप्लेशन लेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए, और हमें एक इक्वेशन पता है कौन सा, I=VDENA, ठीक है, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था अगर याद हो तो। ये इक्वेशन के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, एन यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो उसके हिसाब से करंट भी बढ़ेगा, उसी तरीके से होल भी बढ़े, अगर होल बढ़े तो वापस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़े, कौन से, पॉजिटिव चार्ज कैरियर बढ़े, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर बढ़े तो करंट भी बढ़ा,
ठीक है। इसके कारण अब यहां पे करंट हमें ज्यादा दिखाई देगा। सपोज करते हैं अब करंट 50 से बढ़कर 60 माइक्रो एम्पियर जितना हो गया है, यानी कि 10 माइक्रो एम्पियर जितना करंट बढ़ चुका है, ठीक है। अब यहां पे जो ये होल और ये जो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुए हैं उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो होल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी होल ये डायरेक्शन में मूव होंगे, यानी होल की वजह से करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होता है। तो आईई और आईएच एक ही डायरेक्शन में है, तो आईई प्लस आईएच दोनों मिलकर 10 एम्पियर का करंट बनाएंगे, जिससे करके ये मिली एमीटर के अंदर 60 माइक्रो एम्पियर करंट हमें दिखेगा। तो इस तरीके से ये जो फोटोडायोड है वो फोटो एनर्जी को या बोलो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसने कितना करंट बढ़ाया। पहले रिवर्स बायसिंग करने पर 50 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होता था, फोटो डाले तब कितना 10 एमपी मिली एम्पियर करंट बढ़ा, जिसकी वजह से 60 माइक्रो एम्पियर करंट हुआ। तो इतना कम करंट बढ़ा तो इसका एप्लीकेशन क्या, कहां पे ये यूज होगा? तो ये यूज बहुत सारी जगह पे होता है, जैसे कि जो हमारा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहां पे काउंटर्स आते हैं, ठीक है। तो वो काउंटर पे से कितने लोग पास हुए वो ये डायोड बता देता है। कैसे देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि यहां पे एक लाइट का सोर्स है जिसमें से कुछ लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे करके कुछ लाइट आ रही है, ठीक है। और ये लाइट के सोर्स के सामने यानी काउंटर पे ऐसे करके कुछ फोटो डायोड लगा के रखा है, ये हो गया हमारा डिप्लेशन लेयर, ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर, ठीक है। अब ये जो लाइट है, ये जो लाइट है डिप्लेशन लेयर पे जा रही है, डिप्लेशन लेयर पे जा रही है, यानी करंट कितना है, अभी करंट है 60 माइक्रो एम्पियर के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करिए, यानी इसका मतलब क्या एग्जैक्टली आप समझो कि ये हमारा काउंटर है, ये काउंटर है, यहां पे एक और फोटो डायोड लगा के रखा है और उसके जस्ट सामने लाइट का सोर्स है, लाइट के सोर्स पे से डिप्लेशन लेयर पे लाइट जा रही है और करंट इतना बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में अगर एक पर्सन आया काउंटर पे, एक इंसान आया काउंटर पे, एक इंसान आया, यानी दोनों के बीच में ये काउंटर हो गया पूरा हमारा, एक इंसान आया तो ये आ गया हमारा एक इंसान, ठीक है, ये इंसान बीच में आ गया, तो क्या होगा, यहां पे लाइट जानी रुक जाएगी, यानी डिप्लेशन लेयर पे अब लाइट नहीं जा रही। लाइट जब नहीं जाएगी तब सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट फ्लो होगा, डार्क करंट ही फ्लो होगा, जो कि 50 माइक्रो एम्पियर है, यानी करंट अब घट चुका है 50 माइक्रो एम्पियर। यानी एक बार जब करंट घटा तो उसका मतलब क्या हुआ, एक इंसान पास हुआ, ठीक है। ऐसे 10 बार करंट घटा तो 10 इंसान पास हुए, 100 बार करंट घटा तो 100 इंसान पास हुए। अब ये कैसे कितनी बार घट रहा है वो मेजर करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर रखा होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो कंप्यूटर सिस्टम हमें बता देता है कि कितनी बार करंट कम हुआ, यानी कितने पर्सन पास हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी इसका अच्छा एक एप्लीकेशन है, जो हमारी नोट काउंटिंग मशीन होती है, जो नोट को काउंट करके देती है, उसमें भी यही फोटो डायोड होता है, उसमें भी ऐसा लाइट सोर्स होता है, सामने ये फोटो डायोड होता है, लाइट जा रही है, 60 माइक्रो एम्पियर करंट है अभी। अब क्या होगा, नोट बीच में से पास होगी, नोट बीच में से पास हुई एक तो एक बार करंट कम हुआ, 100 नोट पास हुई तो 100 बार करंट कम हुआ, यानी ये जो हमारा नोट काउंटिंग मशीन है उसने 100 नोट काउंट कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, कौन सा, कि ये फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस पे ही क्यों काम करता है, फॉरवर्ड बायस पे क्यों नहीं। तो हम अब उल्टा सोचते हैं क्या, कि ये जो फोटो डायोड है उसका हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। अब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, यानी अभी यहां पे रीडिंग कितना होगा, अभी यहां पे रीडिंग 1 एम्पियर जितना होगा, ठीक है, 1 एम्पियर जितना होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो मिली एमीटर की जगह हम एमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, मिली एमीटर की जगह एमीटर का यूज करेंगे, क्यों, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर जितना, ठीक है। अच्छा, इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जब हम फोटॉन्स डालेंगे तब कितना करंट बढ़ेगा, तब तो सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर जितना करंट बढ़ेगा, तो इसमें से कितना करंट बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर जितना करंट बढ़ा,
अब इतना कम करंट क्या ये एमीटर सेंस कर पाएगा? उसका नीडल हिलेगा भी नहीं। यानी अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं इसका, तब जो करंट हमारा बढ़ रहा है फोटोन आने पर, वो हम सेंस नहीं कर पाएंगे। अगर सेंस नहीं कर पाए तो इसका यूज हम, नोट काउंटिंग मशीन है, काउंटर पे कितने इंसान आए वो हम जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में आपको लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।